पीछे वाली सीट देख लो क्या है, वो कैसे बैठेंगे मेरे को नहीं पता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:50 और हम लोगों को 7:30 जिम जाना होता है, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया। मोहित और आशु तो जा रहे हैं दिल्ली, वो अभी तक निकले नहीं, उन्होंने कहा था 6:30 निकलेंगे बट अभी तक वो नहीं निकले। मोहित तो ऊपर खाना खा रहे हैं, आशु अभी तक घर पे बैठा हुआ है। तो खुशहाल आया हुआ है, खुशहाल और मैं जा रहे हैं जिम। तो भाई जिम गल लिया है, लेग्स मारी है और ऐसी गंदी हालत हुई पड़ी है ना टांग की, बड़े टाइम बाद मारी है वो तेरी। बस अब चलते हैं घर पे, खुशहाल की तो ज्यादा ही हालत खराब हो रही है। तो 10 बज चुकी है और हम लोग जिम से घर आ चुके हैं और मैंने सुबह अपलोडिंग पे लगा के गया था अपने व्लॉग को 8 बजे, और दिक्कत क्या आ रही है, वाईफाई का हो गया रिचार्ज खत्म, और रिचार्ज अभी हम करा नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि हमें करना है शिफ्ट और आज ही शिफ्ट करना है। तो कल भी यही चीज हो रही थी, कल भी 2 घंटे लग गए थे अपलोडिंग होने में, आज 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक ये 89% अपलोड हुई है और अभी भी 1 घंटा 18 मिनट ये दिखा रहा है, तो काफ़ी स्लो हिसाब किताब हो गया। बस आज की और बात है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी वीडियो अपलोड होती है और मैं अभी खाना खाऊंगा क्योंकि भूख लग रही है बड़ी जोर की, सुबह से कुछ नहीं खाया, 10 बज चुकी है, तो खाना खाते हैं फिर उसके बाद तैयारी करते हैं। तो भाई अपना खाना आ चुका है, आज बनाया अचार परोठा और साथ में है चाय, और मैया देख रही है मेरा व्लॉग। यहाँ पे अपन फ्लैट देखने गए हुए थे, वैसे फ्लैट अपना फाइनल हो चुका है, आज हम लोग कर रहे हैं शिफ्ट। और अम्मी ना आज सुबह रो रहे थे, जब मैं गया हुआ था जिम, मैं और खुशहाल जिम गए हुए थे ना, तो अम्मी रो रहे थे, अम्मी कहते कि यहाँ पे हम लोगों ने 30 साल बिताए हैं, तो थोड़ा सा लगता है, दिल को होती है। ठीक है हाँ भैया, हाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। रो क्यों रहे थे सुबह? बस इतने टाइम से जो रहे, अब ठीक है ना, अब धीरे धीरे हो जाएगा। चलो भाई मम्मी का वहाँ पे मन लगा देंगे, वैसे तो वहाँ पे मम्मी की फ्रेंड है तो मम्मी का मन तो अपने आप ही लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी हो चुकी है और पापा तो सो ही गए हैं अभी, ये देखो सामान भाई उठवाओ कराओ, कैमरा तो बाबूजी बन के कैमरा पकड़े हम सामान उठाए, बुलाओ ट्राला मम्मी। ठीक चलो भाई, अभी ये तो होगी हमारी लगभग पैकिंग, और अभी आएगा कैंटर वगैरह फिर उठा के लेके जाएंगे बंदे मजदूर। तू भी लेके जाएगा? ले जाओ यार, अब मैं वही उठा के ले जाएंगे। ठीक है, पंखे मार लग जाएंगे तुम्हारे, 1 घंटे का काम है। ठीक है अभी एक पंखा लगवा लो हॉल में, आज हॉल में सो जाएंगे। ठीक है सारे गद्दे बिछा के, टेम्पो वाला मिला, मैं सुबह से क्या कह रहा हूँ, तो हमें बोलो ना, आप कह रहे हो पापा जाएंगे। तो 4:46 हो रही है और पापा और हीना गए हुए हैं पंखे लेने, क्योंकि वहाँ पे लगाने के लिए पंखे होने चाहिए, तो वही पंखे लेने गए हैं पापा। और मैंने कैंटर वाले को फ़ोन कर दिया है, वो आएगा, मतलब उसने कहा है कि उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा बट वो आज आएगा और लेबर को साथ ही ले आएगा, और वैसे वो मेरा फ्रेंड ही है, तो उसने कहा कह रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भले मेरे को थोड़ा लेट हो जाए बट मैं तेरा काम करवा दूँगा। मैंने कहा चलो ये ठीक है, अब ये नहीं पता, उसने कहा है कि शायद 1 घंटा कम से कम बोला है, तो 1 से 2 घंटे वेट करना पड़ेगा अब उसका, तो बस 1 से 2 घंटा उसका वेट करेंगे और फिर उसके बाद अपना आज शिफ्ट हो जाएगा। पहले मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार कैंटर मिले ना मिले, लेबर मिले ना मिले, तो कल पे बात आ जाएगी, बट अब सब चीज़ हो चुकी है तो वो आएगा 1-2 घंटे में, जब आएगा तो वो करवा देगा अपने आप ही। तो नामे को क्या बोले, मैं का बात कह रहा, अच्छा आज आइडल डे का बात ना। तो भाई मोहित और आशु आ गया घर पे, पापा और हीना भी आ चुके हैं पंखा लेके, बट पंखा है चाचू के पास, चाचू की दुकान पे, जिन्होंने फिटिंग करनी है, और वो कह रहे हैं कि वो पंखा कल लगाएंगे, आज उनके पास टाइम नहीं है। और कैंटर वाले को मैंने मना कर दिया है क्योंकि जब तक पंखे नहीं लगेंगे तब तक वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, तो सामान शिफ्ट करने का कोई फायदा नहीं है, उसको मैंने कह दिया कि सुबह आ जाना, और मेरे हिसाब से दोबारा उसी का फोन आ रहा है। मोहित कर रहा है दीपक को फोन, और उससे उसकी शॉप पे पड़ा कूलर, तो वो उठा के हम लोग आज अपने नए फ्लैट में रखेंगे। क्या हाल है सर जी, कहाँ पे हो?
दुकान पे जाके पहुंच के कॉल करिए। तो भाई शिफ्ट तो हम लोग आज भी नहीं कर पाए क्योंकि फैन का पंगा पड़ गया। जो हम लोग फैन लेके आए थे, नए फैन लिए थे 3, 2 रूम के लिए और 1 हॉल के लिए। तो वो जब लेके आए तो इलेक्ट्रिशियन को दिए, जो मेरे चाचू हैं उनको दिए, और उन्होंने कहा कि वो कल सुबह लगाएंगे। तो पापा ने कहा कि फिर जब फैन ही कल सुबह लगेंगे तो फिर शिफ्ट भी कल सुबह ही करेंगे, क्योंकि सो तो पाएंगे नहीं। तो कैंटर वाले को भी मैंने बोल दिया था कि कल सुबह आना, तो उसको कल सुबह 11 बजे का टाइम दे दिया हम लोगों ने। तो वो कल सुबह 11 बजे आएगा और 11 बजे शिफ्टिंग स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंसल फ्लैट में, अपना गद्दे बिछाएंगे, मैं, मोहित, खुशहाल और आशु। खुशहाल और आशु अभी अपने अपने घर पे ही हैं, तो वो लोग अभी आ रहे हैं, फिर हम लोग जाने वाले हैं। चले अभी तो क्या कर रहे हो? देखो कर दो, मैं ना था पहले से मैं देखो पहले भी सारा निकल गया था। मैंने तो अपने से बैठ कर लिया। चले चलो और गया चलो। तो भाई ये गद्दे आ गए और ये लोग गद्दे लेके खड़े हुए हैं। पहले हम लोग गद्दे रखेंगे यहीं पे कमरे में और फिर गाड़ी लेके आएंगे अपनी, और फिर गाड़ी में लेके जाएंगे अपना सारा सामान। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, इसने हमें स्पेशली गद्दे पकड़वाए हैं। कह रहा तुम सीन में तकिया पकड़े थे। हाँ, तुम तो तकिया पकड़ा था झूठा। तो गद्दे रख दिए अपन, तैयार है, अब गाड़ी लेके आते हैं यहाँ पे और फिर गद्दे लेके अंसल अपना मस्त आराम से अपने फ्लैट में सोएंगे आज। बैग रख दिया मैंने अपना यहाँ पे खुले। मैं कमरा कौन सा लूंगा पहले देख लेता हूँ। मैं तो ये वाला लूंगा, ये ले लूँ ना। हाँ ये लूंगा। बैग हम लोगों ने रख दिया, आप जा रहे हैं हम लोग अपना गद्दे उठाने और फिर आज यहाँ पे रात खाली करेंगे। वैसे आंटी कितनी अच्छी थी, आंटी ने गद्दे पहने। हाँ आंटी ने बोला कि अपने कूलर में लेके हम अच्छे गद्दा डाले अठाओ यार तुम लेके चलो। ये गद्दा है क्या? ठीक देखो जिस हिसाब से हमारी फिट हुआ है गाड़ी में, मोहित जा रहा है दीपक की दुकान पे कूलर उठाने। चलो तो भैया हम लोगों ने गद्दे गुद्दे रख दिया, अब पीछे वाली सीट देख लो क्या है, वो कैसे बैठेंगे मेरे को नहीं पता। खुली हुई है, बस ऐसे ऊपर करना है। आशु तो बैठ गया भाई। मोहित कहाँ है? अबे ये क्या लग रहा है? छोटी है, बहुत बड़ी आ रही है। अच्छा बैठ गया आराम से। यही सोचो तुम तो इसी चीज़। सही है भाई, सही है। ठीक है भाई, मोहित और आशु तो आराम से बैठ गए। मेरे को लगा कि कैसे बैठे, देख ली। आजो भाई आजो। तो आता बाहर ही हो गया था। ठीक है अच्छा। ओ भाई साहब चलो उठाओ। कुछ कह रहा था, यही सोचा था। तो 10:30 बज चुकी है और हम लोग अपना प्रॉपर शिफ्ट हो गए हैं यहाँ पे अभी के लिए, रात रात के लिए। जो गद्दे गुद्दे बिछाने थे वो सब हो गया, अपना सिस्टम सेट। बस अभी मैं बैठ रहा हूँ एडिटिंग करने और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।